आपके क्लिनिक में कितना बार देख लिया कितना बार हो गया? क्लिनिक में घटना होता है, कई मंदिर और मस्जिद में घटना नहीं होता है। शासन को पैसा मिला है तभी ऐसा कहा। आप इतने ज्यादा हो जाता है, घटना क्या होता है? किसके आने घटना होता है? किसी क्लिनिक का नाम बता दीजिए जहाँ घटना नहीं होता। भागलपुर के सनहौला भूरिया के रहने वाले सुभाष कुमार के 3 वर्षीय पुत्र ऋषभ कुमार की मौत इलाज के दौरान डॉल्फिन न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर भीकनपुर में हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और परिजनों के साथ धक्का मुक्की कर क्लिनिक से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए सबके साथ भीकनपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि कल पेट में दर्द की शिकायत के बाद बच्चे को क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, डॉक्टर के द्वारा पैसा लेने के बाद भी ठीक से इलाज नहीं किया गया। वहीं मौत होने के बाद मायागंज अस्पताल भेज दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद वहां गए, अल्ट्रासाउंड में वहां लेट हो गया, 7 बज गया। 7 बजे के बाद यहां पे आए तो बोला क्या लेट हो गया है, यहां रात भर ठहरना होगा। तो हम बोले ठीक है सर ठहर जाएंगे। तो उसके बाद दवाई पिलाया, उसके दवाई पिलाने के बाद रात में जो बेड चार्ज था उसको 1800 रुपया चार्ज दिए, बोला रात भर यहाँ रुको, पानी सलाइन से जो भी चढ़ेगा मेरा चढ़ेगा। ज़्यादा सीरियस होने लगा मेरा बच्चा, तो वहाँ से ठेल ठाल करके जबरदस्ती भगा दिया कि जल्दी भागो यहाँ से मायागंज, जल्दी भागो यहाँ से मायागंज। मारपीट थोड़ा धक्का मुक्का किया है, धक्का मुक्का ही किया, इसका स्टाफ ने किया है धक्का मुक्का। उसके बाद मायागंज भेज रहा था तो यहाँ खत्म हो चुका था। जो जो ये मायागंज धक्का मुक्का दे करके हमको, हम लोग को ये लेडीज वाली बात था, स्थिति आ गया। वहाँ गया तो बोला यहाँ बच्चा खत्म हो गया, यहाँ मार करके बच्चा को मायागंज भेज दिया। उसके बाद धक्का मुक्का कर इस सबको धक्का मुक्का किया है। हम आके पूछे तो धक्का मुक्का इसको किया, तो हम लोग यहाँ पर घुसे तो हम लोग को भी एक यहाँ पे था तो हम लोग को भी धक्का मुक्का करने लगा, अंदर नहीं देंगे घुसने के लिए। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिए। वहीं इस मसले पर मीडिया के द्वारा जब डॉक्टर चंद्रकांत सिंह से प्रतिक्रिया जानना चाहा तो वहीं दबंग डॉक्टर चंद्रकांत सिंह तैश में आ गए और कहा बच्चे अस्पताल में नहीं मरेंगे तो क्या मंदिर और मस्जिद में मरेंगे। वहीं लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग ऐसे आरोप लगाते हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद तिलका मांझी पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे परिजनों को तिलका मांझी थाना प्रभारी राजरतन की पहल पर 9500 रुपया प्रदान कर जाम तुड़वाया गया। और यूं भी कह सकते हैं कि एक बच्चे की मौत की कीमत 9500 रुपये तय कर गरीब ऋषभ के परिजनों को चलता किया गया। हम आपको मासूम की मौत के बाद उठे भावना के ज्वार के बीच किस तरह दबंग डॉक्टर साहब मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। अरे आपके क्लिनिक में कितना बार देख लिया घटना को? कितना बार हो गया? क्लिनिक में घटना होता है, कई मंदिर और मस्जिद में घटना नहीं होता है। घटना क्या होता है? किसके आने घटना होता है? किसी क्लिनिक का नाम बता दीजिए जहाँ घटना नहीं होता। आप इस तरह से लैंग्वेज करिएगा क्या? पत्रकार हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप डीएम बन गए क्या? बार बार मतलब कि कोई भी सीरियस पेशेंट जहाँ आईसीयू है, जहाँ मैनेजमेंट होता है, नहीं देना है मत दीजिए, बोल दीजिए, लगाने दीजिए ना। देख लो व्रतकांत सिंह क्या हुआ, पूरा मामला हम नहीं जानते हैं, डॉक्टर साहब से पूछिए। लेकिन जो ये आप लोग जो बात बोलते हैं कि बार बार ऐसा कहीं भी हॉस्पिटल में जहाँ सीरियस पेशेंट रखा जाता है या पेशेंट रहता है तो होता ही।